हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम की। आप देख सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया ऑस्ट्रेलिया का फ़ोटो लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, देखिए ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या रह रहे हैं और आपको रहते रहते वहाँ पर 2 साल से ऊपर हो गया है, तो आप इस स्कीम का पूरा मज़ा ले सकते हैं फ्रेंड्स, और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये साइट का नाम है goldenvisas.com और उनके माध्यम से लेके आए हूँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गोल्डन वीज़ा होता क्या है। देखिए, अब ऑस्ट्रेलियन, इसको दूसरा नाम ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर वीज़ा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, आपको अगर फटाफट वहाँ की नागरिकता या सिटीजनशिप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, द ऑस्ट्रेलियन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर वीज़ा वॉज इंट्रोड्यूस बाई द गवर्नमेंट इन 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इट ऑफर द स्ट्रीमलाइन पाथवे फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल HNWI जो है टू परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया थ्रू इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन। मतलब ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन मतलब आप जा रहे हैं वहाँ पर और इन्वेस्ट करके, सो आप पैसा दीजिए, आपको वहाँ पर नागरिकता लीजिए, वहाँ की सिटीजनशिप लीजिए। देर इज़ नो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ऑल दो सिटीजन के भी अप्लाइड फॉर आफ्टर 3-4 ईयर्स रिसेंटली। देखिए, मैंने वही कहा था ना कि अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं 2 साल के ऊपर तो आपको वहाँ पर मिल सकती है। अब देखिए इसमें क्या है, ये इसके की पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट बाईपास है। तो फ्रेंड्स, अगर समझ लीजिए आपके पास वहाँ पर आप काम कर रहे हैं 4 साल से ऊपर हो गया, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर 4 ईयर्स द एप्लीकेंट एंड फैमिली कैन ट्रांजिशन फ्रॉम टेम्प्रेरी रेजिडेंस, जो आपका जो भी स्टेटस था वर्क वीज़ा, टू परमानेंट रेजिडेंस इन्वेस्टमेंट के बाद। देखिए, ऑल दो हाई द इन्वेस्टमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड, मतलब जो आपको ये PR मिलेगी, रेजिडेंसी मिलेगी, वो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की होगी। मतलब अगर समझ लीजिए आप शादीशुदा हैं और बच्चे हैं, तो आपकी मैडम होंगी, मैडम और बच्चों के लिए होगी और किसी के लिए नहीं होगी, ठीक है? अभी इन्होंने ऐसा लिखा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। HNWI मैंने आपको बताया क्या होता है, सीकिंग रेजिडेंसी थ्रू इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट इन 2017 ऑस्ट्रेलिया अट्रैक्टेड 10,000, सोचिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था, हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री, ये लोग बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, USA से भी आगे, देखिए USA से भी आगे थे ये लोग। देखिए, ये बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑफर रैंक्ड और क्लोज टू नंबर 1। मैं देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया कंट्री है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं या अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो इस वीज़ा को पक्का कंसिडर करिएगा फ्रेंड्स। आपको बस यही होगा, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। देखिए, आप पैसे या तो प्रॉपर्टी में यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करिए या वहाँ इन्वेस्ट करिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको रहना है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, टैक्सेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इतना कोई बड़ा नहीं है, ये बहुत सिंपल है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया देर आर रूल्स ऑन हाउ द दिस, इतना आपको इन्वेस्ट करना है, $5 million कैन बी इन्वेस्टेड, मैक्सिमम 60% इन नॉन रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड शेयर्स, 10% वेंचर कैपिटल। मतलब आप देख सकते हैं, ये आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है। फिर देखिए, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, अप्लाई करिए, कहीं भी डाउट होता है मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।